मेरा नाम नरगिस खातून है और मैं श्रीनगर से हूँ, हवल आलमगी बाज़ार एरिया से। और मेरा जो आई वॉज़ बॉर्न इन जम्मू बट आई एम बेसिकली फ्रॉम श्रीनगर, तो मेरा जो लाइफ का मोस्ट पार्ट है श्रीनगर में ही गुजरा है। और मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो वो भी यहीं से कर रही हूँ। पता नहीं कैसे आ गया दिमाग में बट आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज अराउंड 4 और 5। आई ऑलवेज लव्ड टू सिंग और फिर स्कूल असेंबलीज आई थिंक पहला प्लेटफॉर्म होता है मेरे लिए, तो वही था। रोशे रोशे वलो न्या आगे आगे जब बढ़ते गए, जब अच्छी अप्रिसिएशन मिलती गई और एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर, देन आई फेल लाइक नो आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू बी समवन हु सिंग, सो आई स्टार्टेड सॉन्ग राइटिंग बिकॉज मैंने लिखना पहले शुरू किया था। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और लिख रही हूँ आई शुड ट्राई सॉन्ग राइटिंग, इसको मैं स्विच करूँ। देन आई ट्राइड सॉन्ग राइटिंग एंड कंपोजिंग माई मेलोडीज। आई थिंक ये बहुत गलत कन्विक्शन या क्या बोलेंगे गलत स्टीरियोटाइप बन गया कि लड़कियों को गाने की तरफ नहीं जाने देते। आई थिंक आर्ट के लिए ही थोड़ा सा कम स्कोप है पूरे कश्मीर में, सो आई डोंट थिंक इट्स जेंडर स्पेसिफिक। अगर है भी कहीं पे ऐसा कुछ तो इट्स बिकॉज अगर हम देखेंगे जब यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट अस, सो व्हेन दे सी दैट यहाँ पे तो इस चीज़ का स्कोप नहीं है तो मे बी उस चीज़ से वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं बच्चों। बट फिर आगे आगे जब लोगों को सुनते गए, बड़े बड़े जो फनकार होते हैं अमेजिंग म्यूजिशियंस, और आई थिंक खाली उनसे नहीं इंसान को हर, मतलब मुझे तो हर किसी इंसान से इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे भी हम मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर किसी से। अगर मैं अपनी सॉन्ग राइटिंग की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड बाई सम म्यूजिशियंस और सम पीपल अराउंड द वर्ल्ड, छोटी छोटी चीज़ों से, लाइक हमारे इर्द गिर्द ऐसे पहाड़ है अभी, पानी है यहाँ पे, ये भी इंस्पिरेशन का एक जरिया है मेरे हिसाब से। कोई भी जो आर्ट फॉर्म है वो बिल्कुल पानी की तरह बहना चाहिए, हम उसको एक हम खुद को फिट इन नहीं कर सकते एक बॉक्स में। और आई थिंक किसी भी इंसान में अगर कोई क्रिएटिविटी होती है तो दैट्स फ्रॉम द अबव, लाइक ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनमें कुछ भी क्रिएटिविटी होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की। वट एवर यू, जो भी आपको नेचर की तरफ से गिफ्ट होता है वो यू नो दैट्स नेचर्स गिफ्ट यू। अगर आप कुछ भी क्रिएटिविटी या कोई आर्ट फॉर्म है फिर आप उसको कितना निखारते हो, उस पर कितना काम करते हो, दैट्स योर गिफ्ट टू द नेचर, सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो मोस्टली अगर मेरी सॉन्ग राइटिंग भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है इन्हीं नेचुरल चीज़ों से जो लाइफ में गुजरती रहती है, आसपास के हालात से। और टू बी वेरी up and going out, don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going out of bed, don't stay awake. कोविड हो गया था, आई वॉज वेरी बहुत वो क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेस तो नहीं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हर किसी को हो गई थी। एंड आई जस्ट थॉट लाइक कुछ अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, एंड आई जस्ट अपलोडेड अ वीडियो, लेकिन फिर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता गया, एंड पीपल वर लाइक हमारा टाइम अच्छे से गुजरा आपकी वजह से, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, लाइक देयर वर मेनी पीपल हु अप्रोच्ड मी, वी वॉन्ट टू बाई दिस इंस्ट्रूमेंट, वी वॉन्ट टू गेट दिस इंस्ट्रूमेंट, वी वॉन्ट टू स्टार्ट, हाउ डू वी स्टार्ट। अली जफर इज़ सच अ बिग आर्टिस्ट, लाइक ग्लोबली नोन, और जो भी जिन लोगों का भी आपने जिक्र किया जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, फिर उन लोगों का मेरे
मेरे काम को सराहना और शेयर करना, तो वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। और पहले हम कभी हमारे लो मोमेंट्स होते हैं, इस चीज़ से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने लाइक आई हैवंट, क्या बोलेंगे, कैद नहीं किया खुद को किसी बॉक्स में। आई लाइक टू सिंग बॉलीवुड, आई लाइक फोक म्यूज़िक, मुझे अपना ओरिजिनल म्यूज़िक पसंद है, अपना लिखना। आई लाइक जैज़, आई लाइक पॉप, आई लाइक वेस्टर्न, आई लाइक बेसिकली एवरी थिंग जिसमें भी सोल है, आई लाइक सोलफुल म्यूज़िक। मेरा मन भागे है क्यों, क्या बारिशों की बूंदों में तुम हो, मेरे जहन में या हकीकतों में तुम हो, इन सरसराती हवाओं में भी तुम हो, शायद मेरी दुआओं में भी तुम हो। तो आई थिंक एंड रॉ टैलेंट है, और फिर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की वादियाँ, उससे भी बहुत मुतासर है, बट एक्सप्रेस करने के लिए फील नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट फील, या बट वॉट नेक्स्ट, लाइक एक जो होता है एक फिक्स सा कुछ, यू नो, कोई स्टेज ऐसा कुछ जहाँ पे फिर लोग दे कैन टेक अ स्टेप और फिर आगे आगे जाए, तो वो बहुत लैक करते हैं हम कश्मीर में, बिकॉज देयर इज नो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी है नहीं यहाँ पे। सो आई सिंग इन कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और कोशिश करती हूँ थोड़ा बाकी, आई लाइक बंगाली तमिल पसंद है मुझे। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, कभी भी किसी भी लैंग्वेज में गाया जा सकता, बिकॉज म्यूज़िक खुद में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि हम समझ जाते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठ के देखें तो देयर इज दिस चिरपिंग ऑफ बर्ड्स गोइंग आउटसाइड, तो हम तो नहीं समझते ना वो क्या बोल रहे, लेकिन फिर भी हमें पसंद आती है, बिकॉज दैट्स द म्यूज़िक। बारिश का साउंड हमें समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी पसंद आता है। तो एवरी थिंग इज़ म्यूज़िक, लैंग्वेज डजंट मैटर। बुवंद जालती मैं माशो हविना पान, बुवंद जालती। हाँ, सुनने वालों के लिए ये मैसेज कि जितना सारा प्यार दे रहे हैं, जो मुझे सर से ऊपर हो रहा है टाइम टाइम पे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और बहुत बूस्ट मिलता है, वैसे अपना प्यार देते रहें, वैसे पसंद करते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें मुझ पे और जो भी कोई आर्टिस्ट है यहाँ पे, क्योंकि सबको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ऑडियंस के बगैर हम कुछ नहीं है। मिनुनम दीनो ईमान, मैं माशो हवे ना पान, बुवंद हर।